दोस्तों गाड़ी में अक्सर ऐसा होता है कि आप गाड़ी में एसी गैस रिफिलिंग करते हैं तो वो गैस निकल जाता है या फिर आपका एसी फिर से ठंडा नहीं होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, उसमें एक इवेपोरेटर कोर जैसे कि ये वाला जो यूनिट है ये लगा रहता है आपका ठीक इस पोजीशन में, तो ये अगर लीकेज हो जाता है तो आपको एसी गैस जो है इससे निकल जाता है। अब इसके लिए आपको पहले कन्फर्म करना पड़ता है कि एसी गैस सच में यहाँ से लीक है या नहीं है। तो इसको वैसे तो आप चाहें इसको ये जो मिट्टी लगा हुआ हिस्सा है इसको देख के ही पता कर सकते हैं कि इसमें लीकेज है, लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा मिला कि इवेपोरेटर कोर यूनिट पूरा कम्प्लीटली आपका ड्राई, जैसे कि इसका जो बैक साइड है ये बैक साइड की तरह इस तरह से मिलता है, तो आप उसको कैसे, मतलब आपको तो श्योर होना पड़ेगा, आप कैसे श्योर होंगे कि ये इवेपोरेटर कोर जो है ये लीक है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान प्रोसेस है जिससे आप बहुत जल्दी श्योर हो पाएंगे कि हाँ आपका ये इवेपोरेटर कोर जो है ये यूनिट लीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि कैसे आप खुद चेक कर सकते हैं इवेपोरेटर कोर यूनिट का लीकेज को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए पानी का थोड़ा बड़ा सा डब्बा। इसमें क्या होगा, आप चाहे इवेपोरेटर को पूरा डुबा सकते हैं, और आपका एयर कंप्रेस्ड एयर चाहिए। आप कंप्रेस्ड एयर से एक मुंह आपको कंप्रेस्ड एयर से पूरा लगा देना है जो कि इस तरह से पाइप से लगा हुआ है, और दूसरा जो साइड है ये आपका उंगली से बंद किया हुआ रहेगा। अब देख सकते हैं आप कि ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ से इवेपोरेटर का हवा निकल रहा है, तो इससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपका गाड़ी का जो इवेपोरेटर यूनिट है वो लीकेज है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसा ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड छोटे मोटे वीडियो बनाता रहता हूँ।